चंद्रयान 3 का अभी जो सक्सेसफुल लॉन्चिंग हुआ, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना चाहेंगे सर? उसको लेकर हम ये भी पूछना चाहते हैं कि वो साइंस का सक्सेसफुल था, लेकिन उसमें कुछ पूजा पाठ वगैरह का भी कुछ एंगल देखने को मिला, तो ये ओवरऑल घटना की तरफ आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, पूजा पाठ धुआं वगैरह वालों से मैं ये कहूंगा कि भाई इससे अच्छा आप ही चांद पर क्यों नहीं पहुंच गए डायरेक्ट धुआं वगैरह करके, पूजा पाठ करके। उसके लिए चंद्रयान 3 की क्या जरूरत है? आप तो कम से कम 2500-3000 साल से पूजा पाठ और दुआ सब दुआ सलाम तो कर ही रहे हैं, तो आप डायरेक्ट चांद पर क्यों नहीं पहुंच गए, आप मार्स पर क्यों नहीं पहुंच गए? तो ये पागलपन बंद कीजिए। साइंस जो है वो हमको एग्जैक्ट जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस देता है, एक्सपेरिमेंट देता है, एविडेंसेस देता है, टेक्नोलॉजी डेवलप करके देता है, उसके बाद में ये सब रिजल्ट्स आते हैं। तो पहली बात तो ये बड़ी हास्यास्पद है, तो उनपे ज्यादा कमेंट करना भी मैं समझता हूँ कि हमको अपनी एनर्जी वेस्ट करना है। बट चंद्रयान 3 एक बड़ा मेजर अचीवमेंट है और इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड में स्पेस साइंस में अभी लगभग छठे पहले 6 नंबर में है। US, रशिया, देन चाइना, जापान एंड यूरोपियन यूनियन, ये कंट्रीज के साथ में इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट ऑल 5th और 6th नंबर पर इंडिया स्पेस साइंस में है। और सारा भाई जैसे, धवन जैसे जो हमारे स्पेस साइंस के बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उनकी ये जो है वो मेहनत है। और हमारे हजारों हजारों लाखों जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं जो हमारे स्पेस साइंस से, एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों की तमाम जो है वो मेहनत है कि चंद्रयान 3 जो है वो मून के सदर्न पोल पर पहुंचा है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए धरती के जब मिनरल्स समाप्त होंगे तो आपको मिनरल्स कहाँ से लाएंगे? तो यू विल हैव टू माइन द मिनरल्स फ्रॉम इधर अदर प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड से ज़्यादा प्लानिंग माइनिंग करना ईजी है। चांद के ऊपर में क्या कॉलोनी बसाई जाती है या नहीं बसाई जा सकती है, क्या लाइफ हैबिटेबल हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि पानी मिला है चांद पर तो वहां पर ऑक्सीजन की क्या मात्रा है, फिर कौन से मिनरल्स है, टोपोग्राफी कैसे है, वहां कोई लाइफ फॉर्म है या नहीं है, ये तमाम चीजों का जो फैक्चुअल एविडेंस है उसके लिए जो प्रज्ञान कुछ उसका रोवर है तो वो जो है वो डेटा इकट्ठा कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि इट इज अ मेजर अचीवमेंट और पूरी मानव सभ्यता को धीरे धीरे स्टोन एज से स्पेस एज की तरफ हम आए हैं, और धरती से सिविलाइजेशन धीरे धीरे अंतरिक्ष की तरफ जाएगा, चाहे ये बात 50 साल बाद वास्तविक हो या 100 साल बाद वास्तविक हो, लेकिन ह्यूमन सिविलाइजेशन धरती से यूनिवर्स की तरफ जाएगा। ये मेरी बात आज मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं साइंस का एक विद्यार्थी हूँ, साइंटिफिक थिंकर हूँ, साइंस को बहुत ज़्यादा पढ़ा है, टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा समझने का प्रयास करता हूँ, तो इसलिए ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि वी विल हैव टू मूव ग्रेजुअली ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम अर्थ टू यूनिवर्स। कौन सा प्लैनेट होगा, क्या सैटेलाइट होगा, कौन सा एस्ट्रॉइड होगा, ये तो आज बोला नहीं जा सकता, पर वो धीरे धीरे होगा। तो इस लिहाज से इसरो का ये जो मिशन है और स्पेस साइंस का जो हमारा डेवलपमेंट है वो कमेंडेबल है, और इंडिया को और ज़्यादा इसमें आगे जाना चाहिए, और वो जाएगा क्योंकि हमारे हजारों लाखों साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इस काम में लगे हुए हैं। अब इसमें जो पॉलिटिक्स का पार्ट है, फिर मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई हमारी गवर्नमेंट में हो रहा है, ठीक है, आप क्या कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं साइंटिस्ट लोगों को, G20 में बोल रहे हैं हमारा अचीवमेंट, ये अच्छी बात है, लेकिन ये केवल आपके गवर्नमेंट के वजह से नहीं हो रहा है। कोई भी गवर्नमेंट होती अगर प्रॉपर बजट देती और प्रॉपर एनकरेजमेंट देती, सपोर्ट सिस्टम देती, तो ये पॉसिबल था। आपकी गवर्नमेंट तो ज़्यादा मंदिर बनाती है, आप कहाँ साइंस को मानते हैं ज़्यादा, आप तो मंदिर और कहाँ प्राचीन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। तो मोदी गवर्नमेंट का इसमें कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का अचीवमेंट। आप क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले स्टेट इलेक्शन में हमारे ऑफिस वेयरर्स, ट्रेनर्स या कैडर्स के लिए? नहीं, अभी ये जो 3-4 राज्यों में चुनाव है, एक तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना, तेलंगाना तो हमारे लिए सेकेंड स्टेट है, अभी भी उतना डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों राज्य में API को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, बड़े पैमाने पर कॉन्टेस्ट करना है, और अगर कोई हमसे लिमिटेड अलायंस करना चाहता है थोड़ी हमारी नीतियों को एग्री करके, तो उसके लिए हम ओपन हैं, हम उसको वेलकम करेंगे, लेकिन नीतियों को थोड़ा समझ के अलायंस होना चाहिए, उसके लिए हमको तैयार रहना है, और तीनों स्टेट में अच्छी बड़ी तैयारी करना है और इलेक्शन में कंटेस्ट करना है। सर, अभी सवाल तो काफी है, वैसे अभी इलेक्शन की बात हो गई तो आप 2024 में भी संसद में जाने की बात कर रहे थे, तो उसके लेकर हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे आप? नहीं, 2024 में सर्टेनली मैं कॉन्टेस्ट करूंगा। API के और भी इम्पोर्टेंट जो लोग हैं वो भी कॉन्टेस्ट करेंगे, कितनी सीटें होंगी, कैसे होंगी, ये तो थोड़ा सा आपको ये 3 चुनाव के बाद ज़्यादा क्लियर होगा जनवरी तक,
लेकिन आई एम गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। और एपीआई के बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट 15-20 लोग हैं, वो तो श्योरली बहुत सीरियसली इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे, और हमारा ये प्रयास होगा कि हम लोग जीत के जाए उसमें से बहुत सारी सीटें, और उसके लिए हमको जो भी अलायंस करना पड़े लिमिटेड वे में उसके लिए हम ओपन है ऑफकोर्स, लेकिन नीतियों को ध्यान में रखते हुए। तो वो अनफोल्ड होगा आपको जनवरी के आसपास, बट आई एम सर्टेन टू कंटेस्ट द इलेक्शंस 2024 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। और अगर मैं पार्लियामेंट पहुंच गया तो आप चिंता मत कीजिए, आपकी 50% प्रॉब्लम तो मैं बगैर संख्या बल के भी पूरी कर सकता हूं। तो बस आपको उस समय तक पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना है, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को केवल सोशल मीडिया पर नहीं, एक्चुअली बूथ कमिटीज और सेक्टर कमिटीज तक बड़ा करना है। हर जगह झंडा दुपट्टा दिखना चाहिए पार्टी का, हर जगह पेंटिंग्स दिखनी चाहिए, होर्डिंग्स दिखनी चाहिए, और हर जगह जो है आपका लोगों की समस्या को सुनकर उसको सॉल्व करने का प्रयास करना है, लोगों को पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ना है, और नीति नेता और पार्टी को ध्यान में रखकर काम करना है। नीति नेता और पार्टी को ध्यान में रख के काम करना है। कॉस्मो ह्यूमैनिज्म की नीति, जो ज्ञान विज्ञान और मानवता की नीति है, ज्ञान विज्ञान और समाधान की नीति है, अनेक नियम और अनेक समाधानों की नीति है, उसको ध्यान में रखना है। कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी भी स्टेट का हो, हमें इंसान को इंसान के तौर पर देखना है, इंडिया को इंडिया के सिटीजन्स के तौर पर देखना है, और जिन लोगों की स्पेशल प्रॉब्लम्स है इंडिया में, चाहे वो ट्राइबल्स है, चाहे ओबीसीज है, चाहे माइनॉरिटीज है, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट है, चाहे किसान है, चाहे महिला है, चाहे युवा है, इनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी हमारी नीति काफी वास्ट है, उसको समझकर इसमें काम करना है। बहुत सारे लोग सामाजिक संस्था या धार्मिक संस्था में बहुत टाइम देते हैं लेकिन राजनीति में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं खुद का और देश का। डेमोक्रेसी तो भाई सागर जी, डेमोक्रेसी तो पार्लियामेंट में जाके असेंबली में जाके पूरी होती है। डेमोक्रेसी तो जब आप रूल ऑफ लॉ पे, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिसीज पे काम करते हो तब पूरी होती है। डेमोक्रेसी कोई मंदिर मस्जिद विहारों में बैठने के बाद पूरी नहीं होती है, सामाजिक संस्थाओं में जाने से डेमोक्रेसी पूरी नहीं होती है, आपके राइट्स गारंटीड नहीं होते, आप पे डेवलपमेंट नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सामाजिक धार्मिक संस्थाओं में, वो खुद का समय तो वेस्ट कर रहे हैं, औरों का भी समय वेस्ट कर रहे हैं, देश का भी समय वेस्ट कर रहे हैं। और मेरा तो क्लियर मानना है कि अभी ये विज्ञान का दौर है, धर्म और संस्कृति से वैसे भी विज्ञान में प्रूव नहीं होता है धर्म जो है वो, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। साइंस टेक्नोलॉजी और वेरियस नॉलेज की पॉलिसीज के आधार पे अगर डेवलपमेंट किया जाए तो हर व्यक्ति का, हर फैमिली का, हर कम्युनिटी का, हर स्टेट का डेवलपमेंट हो सकता है, और इंडिया जो है चाइना अमेरिका के बराबर आ सकता है। एपीआई की खासियत ही नीतियों की राजनीति के लिए हमेशा जानी जाती है, और ये नीतियों की राजनीति की जो बात है, अभी वो केजरीवाल जी आपकी बात की नकल करते हुए देखे जा रहे हैं, तो ये इन पॉलिटिकल पार्टी को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी कभी कभी इट्स वेरी लॉफेबल, केजरीवाल के ऊपर में हंसी आती है मुझे उनके ऊपर में। रायपुर या भोपाल में कहीं वो कह रहे थे कि भाई हमने गारंटी लाई और उसके बाद में और पार्टीज गारंटीज की बात कर रहे हैं। केजरीवाल जी 2012 में अप्रैल महीने में एपीआई बनने के पहले मैंने जो है पूरे देश की नीति का प्लान डिक्लेयर किया। उस समय आप एंटी करप्शन आंदोलन कर रहे थे अन्ना हजारे के साथ में। 2013 में जब पार्टी डिक्लेयर हुई तब पॉलिसी कमिटमेंट, पॉलिसी गारंटी जिसको हिंदी में नीति अभिभाजन कहते हैं, वो हमने डिक्लेयर किया। लोकसभा का 2014 के चुनाव में एपीआई पहली पार्टी थी जिसने मुझे लगता है कि फरवरी में डिक्लेयर किया अहेड ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी नीति अभिवचन, जिसको इंग्लिश में आप पॉलिसी कमिटमेंट या पॉलिसी गारंटी कहे जाते हैं, कहा जाता है, और उसी से आइडियाज लेकर आपने जो है वो बाद में गारंटी देना चालू किया। अभी भी आप जो गारंटी देकर गए छत्तीसगढ़ में और जो मध्य प्रदेश में, आपकी गारंटी ला लो और अभी मैं गारंटी डिक्लेयर करने वाली हूं, दोनों को कंपेयर कर लो और तब आपका फ्रॉड क्लियर हो जाएगा कि केजरीवाल कितना लिमिटेड बात कर रहे हैं, केवल बिजली की बात कर रहे हैं, केवल हेल्थ की बात कर रहे हैं, केवल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बाकी कोई पॉलिसी केजरीवाल के पास नहीं है। तो आप IRS थे, आप जो है वो शायद इनकम टैक्स में जो है वो कमिश्नर थे, IIT के स्टूडेंट है, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर में और ओवरऑल पॉलिसीज के ऊपर आपकी मास्टरी नहीं है। उसके लिए विजय मानकर के आगे जिस दिन केजरीवाल आएंगे और उनकी पूरी टीम आएंगी, सौरभ भारद्वाज और ये आपके पंजाब के CM वगैरह जो है, तो ये आपकी जो कैम्ब्रिज वगैरह से पढ़ के आई क्या लेडी है, वो चश्मा लगाती है, मैं वो नाम नहीं जानता, एवरीवन विल बी यू सी डिफिटेड बिफोर विजय मानकर। अगर आप कॉस्मो ह्यूमैनिज्म की पॉलिसीज के आगे
अभी आम आदमी पार्टी की गारंटी को कंपेयर कर लिया जाए तो आप लोग सब डिफीट हो जाएंगे, मेरा चैलेंज है आप लोगों को।